तेरे मस्त मस्त दो नैन ओ जैन, तुझे मिलेगी बीवी जस्ट लाइक अ बैंक। कितो पल्ले पे गई है बीबी। व्हाट द हेल इज दिस बीबी? इट्स बेबी। लक 28 कुड़ी द 47 वेट कुड़ी द। लाइका जो मीको थिंग्स के नाम से सोशल मीडिया के दिगर प्लेटफॉर्म्स पर अपनी रील्स डालकर वीडियोस बनाकर बहुत ज्यादा वायरल होती नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरे साथ मौजूद है मलाइका जो मीको थिंग्स के नाम से सोशल मीडिया के दिगर प्लेटफॉर्म्स पर अपनी रील्स डालकर वीडियोस बनाकर बहुत ज्यादा वायरल होती नजर आ रही हैं। 2.6 मिलियन इनके टिकटॉक पर फॉलोअर्स हैं और सोशल मीडिया के दिगर प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की बड़ी अच्छे तरीके से मिमिक्री करती है। मिमिक्री? हाँ जी, मतलब अरे अरे इधर देखो, क्या क्या मिमिक्री क्या होता है? मिमिक्री से मतलब नकलें उतारती है। किसकी नकल उतारी है मैंने? ये लोगों के इधर सुने, उसको टैलेंट बोलते हैं, हम लिपसिंग करते हैं। इनका टॉयलेट अरे क्या टॉयलेट, अगर आइए तो जाके कर। इनका बहुत अच्छा है, मैंने क्या अच्छा है मैंने देखा है। क्या देखा है? वो जो आप कह रही हैं। क्या मैं कह रही हूँ? वो टैलेंट, इनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कूट कूट के भरा हुआ है। मतलब क्या कूट कूट के भरा हुआ है? चपेड़े बजी थी ना पिछले हफ्ते, मुझे पता चला था कि अच्छा आपको बजी थी तभी आ जा मेरे सामने ऐसे। नहीं नहीं, आप वीडियो बना रही थी और अम्मी ने पीछे से बेल ना, इंस्पायर हो गए थे मेरी वीडियो से, तो आपने क्या कुछ पेड़े मार लिए? वो कुड़ी है कुछ सुन भी ले डोरेमोन। अरे मैंने देखा तुम लोगों को बहुत जलील करते हो, आज तुम्हारी मेरे हाथों आई। हाँ तो आज मैं अपनी अम्मी का इंटरव्यू कर रहा हूँ ना मेरे। देखो अम्मी नहीं तुम्हारी दादी अम्मी है, तुम्हारे 14 तबक ना रोशन की, तो मेरा नाम भी मीकू। अब्बा जी कह रहे थे आज पुत्र तन दादी मिलेगी, जाएगा ते जितने भी जाएंगे तन तेरी दादी याद आएगी। अम्मी भी मुझे कह रहे थे तेनो दादी ना याद आई ना, आज तू करो बाहर निकल। आपके दादाजी भी मेरे से बहुत इंस्पायर्ड हैं, उनको मेरी टिकटॉक वीडियोस बहुत पसंद है। अच्छा, मैंने सुना दादाजी से, मैंने सुना दादाजी से बड़ा प्यार करते थे आप जी। कब जा रही है उनके पास? वो तो चलेंगे, कब जा रही है उनके पास? यार देखो कसम से अब बोल नहीं रही ये लड़की। अरे मैं जब मर्जी जाऊँ, ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम कौन होते हो? ओह। और तुम यहाँ क्या करने आए हो? इंटरव्यू करने हो? इंटरव्यू करो, मेरे से चापड़ 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 ना करो। चापड़ चापड़ ना करो, इंटरव्यू करने आओ। अच्छा ये बताएं कि मोहतरमा आपसे अभी तक कितने लड़के इंस्पायर होके अपने आप को छुरियां मार चुके हैं? उनकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पैकेज लगाया हुआ आपने। क्या बात है, माशाल्लाह आपकी आंखें क्या खूबसूरत है। देखो आप भी मेरी आंखों में डूब के आए। आंखों में डूबने को मरने का दिल नहीं कर रहा, बल्कि ये याद दिलाने का दिल कर रहा है। थोड़ी आंखें खोलिएगा कैमरे की तरफ देख के, ऐसे करके ऐसे। माशाल्लाह पूरा हया नहीं नजर आ रही बीच में, होता है ना को थोड़ी की सारी भी हो, नहीं नजर आ रही। आप में है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए तो डार्क सर्कल यहाँ से निकल जाए, इसीलिए तो डार्क सर्कल पड़े हुए हैं। अगर पूरा हया ना होती, ये देखे, ये मेरी मेहनत की निशानी है जो मैं रातों को जाग जाग के वीडियोस बना के जो आज इस नौबत पे पहुंची और आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। ओए हो ये मेहनत की निशानी है। मेहनत की निशानी पता किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जो मेरा 4 साल का बेटा सलमान है उसको कहते हैं, उसको मेहनत की निशानी कहते हैं। ये बाकी सब फजूल है, ये कोई मेहनत की निशानियाँ नशूनियाँ नहीं होती। मेरा बेटा 4 साल का सलमान है, आप उसके साथ कभी मिले आपको पता चलेगा कि मेहनत की निशानी होती क्या है। अगर उसने आपको बोलने दिया तो फिर कहना ऐसा क्या है उसमें, ऐसा क्या उसमें, ये तो उसकी माँ से पूछ के बताऊँगा। अच्छा ये बताएं कि एक महीने में कितने पैसे कमा लेती हैं आप? मजाक कर रहे हैं या सीरियस पूछ रहे हैं? मजाक मेरा है ही नहीं आपके साथ, बंदा पूछ रहा है। इतनी चवली तो मारी जा रही है तो मुझे क्या पता कि सही लगे। जब बंदा मेरे सामने चवल हो ना तो ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से चवली निकल आती है। मेरे मामा कहते हैं जो कहता वो खुदी होता है। अच्छा ये बताइए महीने का कितना कमा लेते हैं? ये जो आपने आईफोन 15 प्रो मैक्स पकड़ा है ना, हाँ, इस तरह के 5 खरीद सकते हैं महीने के जी। माशाल्लाह कितना कमा। तो ये सारा टिकटॉक से कर रही है? ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती यार, बताओ ना क्या टिकटॉक। हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, ड्रामेबाजी शुरू। चपले ना मारो ना, सीधा 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 पूछ रहा हूँ। मेरी बेइज्जती करने को बुलाया है? बेइज्जती करने को आप आगे बड़े इज्जत है चंडे गड्ढे ने। क्या मतलब आपका, आपकी इज्जत है? अल्हम्दुलिल्लाह अगर इज्जत है फिर हमें क्यों बुलाया? अगर हमारी कोई इज्जत नहीं है तो आपको किसने कहा आपकी इज्जत नहीं है? आप कब से मेरी बेइज्जती तो आपकी इज्जत ही तो करना चाह रहा हूँ, आप करवाना ही नहीं चाह रही। बंदे की पोतर बनो, टिकटॉक पार्टियां लगा रही है कसम से। मैं कब से पार्टियां तो आप लगा रही हूं। अच्छा सोशल मीडिया का कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करती है? मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट, यूट्यूब इतना एक्टिव नहीं हूँ बट वो भी है। अच्छा ये बताइएगा कि जब आपने टिकटॉक और सोशल मीडिया शुरू किया था तो फैमिली की तरफ से कोई एलिगेशन तो नहीं लगा था? फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सपोर्टिव है, लेकिन जो मेरे बड़े भाई थे उन्होंने थोड़ा इतराज़ किया था। उन्होंने क्या इतराज़ किया? बट वक्त के साथ साथ
सब मान जाते हैं। क्या एतराज क्या किया था उन्होंने? एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी एक वीडियो थी जो उनके किसी दोस्त ने लगा ली थी। मैंने स्टार्टिंग से मेरा फनी कंटेंट नहीं था, स्टार्ट पे मेरी वीडियो इस तरह होती थी, हाँ जी तो ये शायरी है अली के लिए, हाँ जी तो ये शायरी है जैन के लिए, हाय हाय मेरे लिए, तेरे मस्त मस्त दो नैन ओ जैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन ओ जैन, तुझे मिलेगी बीवी जस्ट लाइक अ डैन। अल्लाह ना करे, बद्दुआएं दे रही हो, मेरे सलमान को पता चल गया ना, उसने आपकी टांगे तोड़ देनी। अल्लाह आपको ऐसी चार डांगे दे। हाय, आपके लिए भी मेरे पास शेर है, तेरे मस्त मस्त दो नैन जी, अल्लाह करे तू बाहर निकले, तेनू बाहर निकल दे कुत्ते पे। हुण मैं तू चली, तेरी फजूल खच्चा सुनने वास्ते मेरे वास्ते टाइम कोई, मैं चली थोड़ा जा साइड पे होके चली, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा थोड़ा जा साइड, ये तो आपके लिहाज करके बैठती हूं। हां, अदरवाइज मेरा इंटरव्यू चल रहा है, प्यारी लग रही है। क्वालिफिकेशन कितनी है? मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है। बीकॉम ऑनर्स किया है, किसकी ऑनर में किया था? अपने ऑनर्स में किया, तुम्हें क्या पता, मिडिल क्लास जाहिल गवार इंसान, ओह इधर आया होस्टिंग करने, होस्टिंग का लव्स नहीं तुम्हें पता है? होस्टिंग नहीं कर रहा मैं, क्या होस्टिंग कुछ और होती है। तो क्या कर, ये मैं एज एंकर पर्सन आपका इंटरव्यू कर रहा हूं। वैसे आपके साथ वीडियोस जो बनाता है एक लड़का होता है अक्सर वीडियोस में, वो कौन है? मेरा भाई है। क्या नाम है? हसन रजा। लेकिन सब समझते हैं वो नवीद है, वो नवीद नहीं है, वो मेरा भाई है, भाई है, भाई है, नवीद तो कहीं और है। नवीद कौन? मैं आपको क्यों बताऊं? कुछ सीरियस होके भी जवाब दे दियो। हर पर्सनल बात बताने वाली नहीं होती और मैं अपने उन्हों को डिस्कस नहीं कर सकती। उन्हों को जी शादीशुदा नहीं? हाँ, होनी है अभी, हो जाएगी, आप दुआ करें। अल्लाह करे या मेरे मालिका जड़ा है दे पल्ले पहन लगा उदी बेचारे दी हिफाजत फरमा। अब तुमने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैंने एक फोन कॉल मिलानी है, तुम्हारी जॉब भी चली जाएगी। क्यों? शायद नजीर चौधरी साहब के साथ ताल्लुक है कोई आपका? अल्लाह माफ करे, उनके साथ सलाम दुआ अच्छी सलाम दुआ अच्छी है। अगर मजीद बदतमीजी की तो पहले पनूंगी तुम्हारी लाते, फिर फूटूंगी तुम्हारे चाटे। तमीज से या मेरे मौत का किथों पल्ले पै गई है बीबी। हेलो एक्सक्यूज मी, व्हाट द हेल इज दिस बीबी, इट्स बेबी, लक 28 कुरी दा 47 वेट कुरी, माय नेम इज शीला, शीला की जवानी, आ तनु मौज करावा, इट्स 2024, इट्स बेबी, इट्स नॉट बीबी, इट्स नॉट 90s 80s, ओके आई एम सेलिब्रिटी। तुम जैसे लगड़ बगड़ को इंटरव्यू देने से अच्छा था मैं अपने हाथ में साबुन से मल मल के अपने चुपेड़े मारती। साबुन से क्या फायदा होना था? हाथ लग जाना था ना, चुपेड़ बजनी थी ना, इधर आके टाइम वेस्ट होना था। अल्लाह माफ करे, मेरी मम्मा ने सुबह उठते साथ ही बोला था किसी लगड़ पगड़ के साथ तुम्हारा वाह पड़ेगा, मुझे क्या पता था इधर आके चिकंदर के मुंह जैसे इंसान के साथ पड़ेगा मेरा वाह। आप मोहतरमा मुझे कह रही हैं? जी बिल्कुल। शुक्रिया। आपने ये सर के ऊपर ऐनक लगाई है, आपके दिमाग में भी दो आंखें? ये ऐसी ऐनक आप अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों जी, ये लगाने से क्या सामने मिट्टी के पहाड़ सोने के पहाड़ नजर आना शुरू हो जाते हैं? नहीं, मैं दुबई से लेके आई हूं, यू नो टू मच एक्सपेंसिव। आप दुबई भी गई हैं? ऑब्वियसली। आपको किसी ने नहीं कहा ज़फ़ाहश ये ممنوع यल्ला अंत माफी हो फल्ला? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर हो गई है वैसे ये सोशल मीडिया पर मसाल पूरा करते हुए आपको? आपको कितनी देर हो गई है? मैं जड़ा सवाल पूछिया उदा जवाब दियो मोहतरमा। व्हाट इज मोहतरमा? इट्स मोहतरमा, अपने तलफ्फुज सही करे मसल्ली साहब। थैंक यू मोचन साहिबा। ओ हेलो। हां जी, स्टाइलो के हील वाली चप्पल देखी हुई आपने? हां जी देखी। उसके नीचे जो गोल गोल रबड़ होता है ना? बिल्कुल होता है। उसके जैसे आपका मुंह? अरे नहीं नहीं मेहरबानी, उसके जो ऊपर बक्कल होती है ना उसके सुई वर्ग आपका मुंह। मेरे साथ मौजूद थी आज मलाइका, शी इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल और यकीन कीजिए मैं इनका टैलेंट देखकर खुद हैरान हो रहा हूँ। और एक धारती भी अदाकारा भी नज़र आ रही है, धारती भी समझते हैं ना, धारती भी से मुराद होता है जिस करेक्टर में इनको आप डालना चाहें ये उस करेक्टर में ढलती भी नज़र आएंगी। और अगर कोई टीवी एक्टर फिल्म पर अरे बोलना तो सीख लो, वही कह रहा हूँ प्रोड्यूसर। और अगर कोई टीवी एक्टर देख रहा हो, कोई टीवी पर हो, प्रोड्यूसर अगर कोई टीवी एक्टर टीवी प्रोड्यूसर या फिर कोई डायरेक्टर देख रहा हो इस शख्सियत को तो उनसे गुजारिश करूंगा के दो नफल शुक्राने के अदा करके सो रहे कि आपके पत्ते नहीं लगी अभी तक। ये अपने मेजबान जैन बाबू को दीजिए इजाजत, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह ने कहा।